अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज फिर एक मज़ेदार टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की छोटी सी बात में हम एक मुख्तसर सा ऑपरेशन करते हैं मुस्तकबिल का हाल बताने वाले, ख़ासकर इमरान खान को लेके। ये जो टैरो कार्ड का बहाना बनाते हैं, कभी कोई एस्ट्रोपैमिस्ट हमें नज़र आता है, कभी कोई सितारों का इलम लेके आ जाता है। हद तो ये है कि रूहानियत को भी हमने कमर्शलाइज कर दिया है। कुछ दोस्त हमारे देखते ही देखते सोशल मीडिया पे नमूदार हुए और इमरान खान को लेके सुहाने ख्वाब दिखाने शुरू किए। और आप यकीन कीजिए, दिनों में ही ना सिर्फ उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज करवाया, बल्कि उनके व्यूज़ लाखों में बल्कि मिलियंस में जाने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इसमें क्या हकीकत है? क्या इमरान खान को वाकई ही गायबी ताकतों की मदद हासिल है, या जैसे दावा किया जा रहा है कि कुछ जिन्नात हैं? जी हाँ, कुछ जिन्नात हैं जो इमरान खान की हिफाजत पे मामूर हैं। और आप देखते हैं मशरूम ग्रोथ की तरह, जिस तरह बरसात में मेंढक निकलते हैं, जी हाँ बिल्कुल इसी तरह इमरान खान के फ्यूचर को बताने वाले एक के बाद एक निकलते हुए हमें नज़र आते हैं। कभी कोई ख्वाब देख रहा है? हद तो ये है दोस्तों कि इन्होंने रूहानियत को भी नहीं छोड़ा। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल फ्रॉड है। ये गेम है सिर्फ व्यूज़ की, ये गेम है सिर्फ डॉलर्स बनाने की। इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान जो इस वक्त हमारे दौर में सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं और उनके चाहने वाले सोशल मीडिया को डोमिनेट कर रहे हैं, और इसी एक चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इब्नुल वक्त लोगों ने इसको कमर्शलाइज करने का फ़ैसला किया। अब हर बंदा इमरान खान के चाहने वालों को खुश करने के लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहा है। हद तो ये है कि हमारे ज्योतिषी, हमारे पंडित, हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो इंडियन सोसाइटी को भी पीछे छोड़ चुके हैं, और तोहमात और इस किस्म की खुराफात को हमारे नौजवान नस्ल के दिमागों में घुसा दिया गया है कि अब कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, कोई रेजिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान तो मुंतखब होने जा रहे हैं। और इमरान खान को एक ऐसे माफोकुल फितरत इंसान के तौर पे पेश किया जा रहा है जिस पे ना तो कोई गोली असर करेगी, ना उसको कोई बम उड़ा सकेगा, और ना ही उसके करीब खुदा ना खास्ता माज अल्लाह मौत आ सकेगी, जब तक कि वो अगले 10 साल इस मुल्क पे हुकूमत नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जहाँ पे नौजवान नस्ल के जहनों को ख़राब करने की बात है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजिटल फ्रॉड भी है। मैं ये अर्ज करूँगा पीटीआई के सपोर्टर्स से कि खुदा के लिए इस अफीम से बचें। ये एक नशा दिया जा रहा है आपको, ये अपने ज़ाती मफादात के लिए पीटीआई के फॉलोअर्स को सोशल मीडिया पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिवाय कमर्शलिज्म के कुछ भी नहीं है और हमारे दौर का आज का बहुत बड़ा डिजिटल फ्रॉड है दोस्तों।